मैं भाग रही हूँ मेरी बेटी के पीछे क्योंकि मुझे मेरी बेटी चाहिए और ओमकार मुझे मेरी बेटी दे ही नहीं रहे। ओमकार इज अ बैड मैन। पहले मयूरा थी, अब मेरा टारगेट तारा है कि मैं तारा को ट्रबल ज्यादा करता हूँ। अच्छा, मतलब मैं बच्ची हूँ। हाय, आई एम ओमकार। हाय, दिस इज मयूरा फ्रॉम पिंजरा खूबसूरती का। क्योंकि हमने होली खेली है और हमने डांस भी किया है। एक्टर्स की जिंदगी में त्योहार भी एक बार नहीं मनाया जाता, बहुत बार मनाया जाता है। तो हमने आज पहली होली हमारी बन चुकी है, इसके बाद एक सेट पे होगी और फिर एक्चुअल होली वो पता नहीं बनाएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो लेट्स वी विल ट्राई। बट अभी हमने बहुत मस्ती की, हमने डांस किया हम दोनों ने। हाँ, एंड इट्स वेरी हॉट बट वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी टायर्ड एज वेल। इट्स ऑल अ मिक्सचर। बट वी हैड फन, राइट? अ लॉट ऑफ फन। Then we played few games और गुजिया खाई हमने। हाँ, और वो तो आपको दिख ही जाएगा कि हमने क्या क्या गेम्स खेले थे और गुजिया के साथ भी हमने क्या क्या गेम्स खेले थे। आई डोंट नो इफ यू कैन गेस। इट वाज फन। इट वाज वेरी। एंड टॉकिंग अबाउट आवर शो, तो हमारे शो में काफ़ी इंटेंस ड्रामा चल रहा है इस टाइम। और जैसे आप सबको पता है जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे शो के, कि हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई है और मैं उस बेटी को मयूरा से दूर रखना चाहता हूँ, जिसका नाम है तारा। तारा। और मैं भाग रही हूँ मेरी बेटी के पीछे क्योंकि मुझे मेरी बेटी चाहिए और ओमकार मुझे मेरी बेटी दे ही नहीं रहे हैं। ओमकार इज अ बैड मैन। नो नो, ही लव्स हिज डॉटर। या बट ही डजंट लव मी एनीमोर आई गेस। व्हाट इज इट? बिकॉज़ नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। यू गाइस हैव टू वॉच इट। इट्स जो भी प्रॉब्लम ओमकार की तरफ से होती है बिकॉज़ मयूरा सुनती नहीं है। ओमकार ने बोला सर्जरी करवा ले तो करवा लेना यार। Let's just stop it here. This will go on for debatable. For a while. But हाँ, काफी अच्छे अच्छे सीन्स आने वाले हैं, काफी अच्छा ट्रैक है। सो प्लीज़ जो लोग शो नहीं देख रहे वो देखो यार, हमारी TRP बढ़ाओ। 9:30 बजे आते हैं कलर्स पे। बहुत अच्छा शो है, डिफरेंट शो है। इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर डेली सोप। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इतने ब्यूटीफुल चेहरे पे ब्यूटीफुल स्कार मिला है इन्हें, वो भी ओमकार की वजह से। और अभी बैड मैन मिस नयन भी आई है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। इट्स वेरी एक्साइटिंग। तो नयन काफी डिफरेंट है आपके लिए। सो हाउ डिफरेंट इज नयन फॉर यू एंड आर यू एंजॉयिंग द ट्रैक? वेल, ऑफ कोर्स वो सब मेकअप एंड ऑल, इट्स पाइल्स ऑफ मेकअप तो वो होता है। बट देन आई एम रियली एंजॉइंग द ट्रैक एंड आई एम एंजॉइंग द कैरेक्टर। इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि मयूरा के कैरेक्टर से एकदम से स्विच करके मिस नयन बनना इज क्वाइट। And I think as an actor, ये चैलेंज आपको मतलब चैलेंज इज ऑलवेज गुड फॉर एन एक्टर। और ऑडियंस को भी ऐसा ट्रैक पसंद आएगा। सो प्लीज डू वॉच अ शो। डेफिनेटली इट्स फन एंड तारा इज डूइंग अमेजिंग टू। यू शुड वॉच हर। शी इज अ स्वीटहार्ट। आई मीन अगर हमारे लिए नहीं देखना तो हमारी बेटी के लिए देख लो। शी इज डूइंग अ फैब जॉब और उसके साथ बहुत मजा आता है। आई लव किड्स, तो आई लव ट्रबलिंग देम। सो मुझे पहले मयूरा थी, अब मेरा टारगेट तारा है कि मैं तारा को ट्रबल ज्यादा करता हूँ। Right? अच्छा, मतलब मैं बच्ची हूँ। नहीं, I should trouble you. और अभी भी, it's nothing different. Yeah, मतलब that's the fun ना। अगर मज़े ही नहीं रहेंगे सेट पे तो you don't enjoy shooting. Yeah. But it's been seven months I guess we've been shooting and hectic रहा है। बहुत challenging scenes थे शुरू में, तो मैं बस यही चाहता हूँ यार, शो देखो। Omkar did an amazing job in every scene. I think we all did, like all actors of our show. Yeah. And so we are proud of our show. Jo bhi humne jaise bhi dikha. Amazing co-actors, amazing team, and we're just so happy to work. And Colors ke saath, it's my third show, so I'm happy. It's my first show, and I cannot be happier.